नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज जीसीआर चुरू क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समष्टि आर्थिक चर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अर्थशास्त्र में चर अथवा परिवर्ती तत्व का अभिप्राय उस मात्रा अथवा संख्या से है जो विचाराधीन समय अवधि में बदलती या परिवर्तित होती रहती है। समष्टि चरों के अंतर्गत हमें उत्पादन, आय, रोजगार, कीमतें, मुद्रा की मांग व पूर्ति, उपभोग, बचत, निवेश आदि परिवर्तित तत्वों के विभिन्न सूत्रों का विश्लेषण करते हैं। यानी इनमें ये परिवर्तनशील तत्व हैं, इनका अध्ययन करते हैं, उपभोग, उत्पादन, आय, रोजगार आदि का। प्रकृति के आधार पर चरों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला है स्टॉक एवं प्रवाह, प्रतंत्र, दूसरा प्रतंत्र एवं स्वतंत्र चर, तीसरा है अंतर्जात एवं बहिर्जात चर। पहला है स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक एवं प्रवाह, स्टॉक वह चर है जिसकी कोई माप नहीं होती और इसकी गणना अथवा माप किसी समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम अथवा निर्दिष्ट समय पर की जाती है, क्योंकि किसी समय बिंदु पर ही स्टॉक चर का माप संभव होता है। पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय होता है। प्रवाह फ्लो वेरिएबल्स क्या है? यह वह चर है जिसकी समय माप होती है। इसकी समय माप स्टॉक की नहीं होती, इसकी समय माप होती है। और प्रवाह चर की गणना किसी निश्चित समय अवधि में की जाती है, पीरियड ऑफ ए टाइम। यानी समय अवधि मैं और एक निश्चित है, ये निश्चित है समय बिंदु पर इनकी गणना की जाती है। स्टॉक परिवर्तनों और प्रवाह परिवर्तनों के बीच अंतर जानने के लिए हम एक मान लो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी एक नल से किसी होज को भरा जा रहा है, नल से प्रति मिनट जितना पानी होज में भरा जा रहा है, कितना प्रति मिनट है, तो वह प्रवाह है। लेकिन जितना पानी टैंक में किसी निश्चित समय विशेष निश्चित समय बिंदु में उपलब्ध होता है, वह स्टॉक है। प्रवाह यानी एक निश्चित अगर समय अवधि में होता है तो क्या है? प्रवाह। और निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है तो स्टॉक है। अर्थात स्टॉक की स्थिर धारणा है, यह क्या है? स्थिर, निश्चित समय पर है, ये स्थिर। और ये गत्यात्मक धारणा है, परिवर्तनशील धारणा है। इसमें समय काल नहीं होता स्टॉक में, और उसमें समय काल होता है। कुछ ऐसे समष्टि चर भी है जिनमें स्टॉक चर तथा प्रवाह चर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। जैसे मुद्रा की मात्रा एक स्टॉक चर है, जबकि मुद्रा की मात्रा में होने वाला परिवर्तन है प्रवाह चर है। मुद्रा की मात्रा क्या है? एक स्टॉक, और उसमें होने वाला परिवर्तन है प्रवाह, चेंज। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी चर होते हैं जो न तो स्टॉक चर है और न प्रवाह चर। जैसे कीमत का कोई माप नहीं होता, जबकि कीमत में परिवर्तन का समय माप है, फिर भी न तो यह स्टॉक चर है और न ही प्रवाह चर है। ऐसे चरों को अनुपात चर कहा जाता है। अनुपात चर क्या? कीमत। जैसे न स्टॉक है
अग्ने प्रवाह। ऐसे को क्या कहा जाता है? अनुपात चर कहा जाता है। अब दूसरा हमारा समष्टि आर्थिक चर है स्वतंत्र एवं स्वतंत्र एवं स्वतंत्र चर। किसी भी चर को प्रतंत्र अथवा आश्रित चर तब कहा जाता है जब उसका मूल्य किसी अन्य स्वतंत्र चर मूल्य में परिवर्तन के साथ बदलता है। जैसे ये क्या है? प्रतंत्र या आश्रित चर कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर आश्रित चर ये क्या है? प्रतंत्र चर किसे कहते हैं? किसी भी चर में इसमें परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग बदलता है, इसलिए ये प्रतंत्र चर है या आश्रित चर है, और इसके कारण बदलता है तो ये स्वतंत्र चर है। आगे समझ में, प्रतंत्र चर और प्रतंत्र या आश्रित चर जैसे मांग कीमत में परिवर्तन के कारण बदलता है। किसी चर को प्रतंत्र अथवा आश्रित चर तब कहा जाता है जब उसका मूल्य किसी अन्य स्वतंत्र चर के कारण बदलता है, इसके कारण मूल्य के कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा बदलती है। तो डी क्या है? डिमांड क्या है? प्रतंत्र आश्रित चर। और पी क्या है? स्वतंत्र चर। कीमत में परिवर्तन से जब वस्तु की मांग बदल जाती है, कीमत में मांग बदल जाती है तो कीमत के संदर्भ में मांग एक प्रतंत्र अथवा आश्रित चर है। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे सी इज फंक्शन ऑफ वाई उपभोग और ये आय, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग बदलता है, तो ये तो क्या हुआ? प्रतंत्र चर है और ये स्वतंत्र चर है। इसी प्रकार किसी भी चर का प्रतंत्र अथवा स्वतंत्र होना उसके परिवर्तनों की दशाओं पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा समष्टि आर्थिक चर प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर है। तीसरा अंतर्जात और बहिर्जात चर, ये क्या होते हैं? अंतर्जात और बहिर्जात। बहिर्जात चर इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। अंतर्जात चर अथवा आंतरिक चरों का अभिप्राय उन चरों से है जो आर्थिक व्यवस्था के आंतरिक तत्व हैं। ये तो आंतरिक तत्व है आर्थिक व्यवस्था के, आंतरिक तत्व है, और ये बाह्य तत्व है। बाह्य तत्व है बहिर्जात, बाह्य तत्व है, और उस व्यवस्था के अभिन्न अंग भी हैं। जबकि बाह्य चर का अभिप्राय उन चरों से है जो आर्थिक व्यवस्था के बाह्य तत्व है। उदाहरणार्थ जैसे किसी अर्थव्यवस्था में तकनीकी अनुसंधान सामान्यतः एक बहिर्जात चर कहा जाता है, तकनीकी टेक्नोलॉजी बहिर्जात चर कहा जाता है। किंतु अगर यह तकनीकी अनुसंधान अर्थव्यवस्था में कृषि अथवा उद्योग के विकास से प्रेरित है, किसे? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इनसे प्रेरित है तो क्या है? तो ये आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ है तो ऐसे को अंतर्जात चर कहा जाता है। यानी ये तो आंतरिक तत्व है और ये बाह्य तत्व है। अगर किसी में टेक्नोलॉजी के कारण, जो टेक्नोलॉजी बाह्य तत्व है, टेक्नोलॉजी अगर कृषि और उद्योग से प्रभावित हुई है तो अंतर्जात चर कहा जाता है उन्हें। तो ये हुआ इंडोजीनस और एक्सोजीनस। तो आज हमने पढ़ा समष्टि आर्थिक चर। समष्टि आर्थिक चरों में प्रकृति का आधार तीन प्रकार के होते हैं, सटोक एवं प्रवाह, सटोक एवं फलो, प्रतंत्र चर एवं स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, और ये समष्टि आर्थिक चर या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कहलाते हैं। आपने सुना, इसके लिए आपको